दोस्तों, जब से खान सर की कंट्रोवर्सी आई है उसके बाद से जो है काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है आजकल। और इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए जो है ए2 सर ने भी अपने चैनल पर ये बोला है कि टीचर का कोई धर्म नहीं होता, टीचर का काम जो होता है सिर्फ पढ़ाना होता है, बच्चे का भविष्य उज्ज्वल कराना उसकी जिम्मेदारी होती है टीचर की। तो दोस्तों, उसी वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप आपको प्ले कर रहा हूँ, आप भी देखिए कि ए2 सर ने क्या बोला है इस चीज से रिलेटेड। एक जो टीचर होता है ना, टीचर एक जो टीचर होता है टीचर अगर असली टीचर आप लोगों को देखना है या असली टीचर आपको परखना है, तो असली टीचर वो होता है जिसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो एक टीचर के लिए क्या धर्म होता है पता है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है सबसे पहले तो देश। अब वो चाहे टीचर किसी भी देश से हो, उसके लिए उसकी कंट्री, उसका देश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ टीचर की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए मैं कहता हूं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी रिलीजन से हो, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए देश। और देश चलता है एक ही चीज से, और वो चलता है इंसानियत से, वो चलता है इंसानियत से। समझिए, किसी भी युवा के लिए आप इस चीज को समझिए, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप किसी भी धर्म वर्ग से आते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश। और देश चलता है इंसानियत से। और इंसानियत का मतलब क्या है? देखिए, मरना तो एक दिन सबको है, आप पैदा हुआ, आप एक दिन मरोगे जरूर, तो क्यों बेवजह एक दूसरे को इस तरह से मारना? बेटर है कि हम लोग इंसानियत के नाते इंसानियत के लिए काम करें, खुशहाल जिंदगी के लिए काम करें। हमारा मकसद होना चाहिए, टीचर क्या कहता है, टीचर का मकसद होना चाहिए कि हर कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने परिवार की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे और आगे बढ़ने में मदद करे। ये देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ टीचर की बात नहीं है, टीचर तो वो, अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या रिलीजन है, अगर वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है ना, इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। टीचर का मतलब है सर्वधर्म संभाव, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। समझ में आया? और उसके लिए कोई भी, आप किसी भी नेशन में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म आपका देश होना चाहिए। देश इंसानियत से चलता है, और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद होना है खुशहाली। क्या मकसद है? खुशहाली। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी टीचर।